नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वाहरियारम नमो वज्जायारम नमो लोहि सवसाहुरम शुद्धात्मात्मनिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्ष्ट सिद्ध्यर्थम संदर्ष्टर्थ प्रकाशकम ओंकार स्वरूपाय नमः जन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञानति निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाध्योजन धर्मोस्त मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते वही अरहंताज महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो इतने में हो गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ इतने में हो गया। संक्षिप्त बुद्धि जैसी समाचार कितने में हो गया? नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक आयक भाव है आगे या तो वो तो हो गया समाचार। चार दर्शन ज्ञान व्यवहार कहता जी के दर्शन नहीं ज्ञान नहीं चारित्र नहीं क्या है हो गया समाचार। क्या ही को विस्तार संक्षिप्त बुद्धि वाले तो इतने से हो गए काम। मध्यम बुद्धि वाली के लिए फिर और थोड़ा सा कहेंगे प्रवचन सारे कोई समझाए तो इतने में समझ जाए। तथापि मोह का विस्तार जो निवार इस निश्चेतन को प्रवचन सार जी का कहा इस निश्चेतन को मोह का विस्तार दुर्निवार है, इसलिए अब फिर कहते उसको और कुछ नहीं। आत्मवैभव को पाए बिना देखे बिना तीन लोक का वैभव मिलना संभव नहीं है। अधिक से अधिक क्या मिलेगा? यहां मिला तो छह खंड का वैभव मिल जाए, वहां मिले तो इंद्रादि के वैभव मिले, नहीं मिलेंगे कहां से मिलेंगे? ये भी साक्ष्य पुण्य हो विशेष पुण्य हो तो मिले। तो सम्यक दर्शन की भूमिका हो देव सास गुरु का श्रद्धान होता हो और नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आत्मवैभव को देखे बिना पाए बिना ये जी पुण्य का जितना भी वैभव मिल सकता है मिल जाए तो नहीं होता। एक शब्द जोड़ लेना पुण्य की तृष्णायतनता अबाधित है, माने अज्ञानी के पुण्य की तृष्णायतनता अबाधित है। जितना जितना मिलेगा और तृष्णा बढ़ेगी और संतोष प्रदान करने में तो एक तत्व ज्ञान ही समर्थ है। इसलिए एक सामान्य नीति भी कही थी जिसे भी सुखी बना हो ना हो तत्व ज्ञान से जोड़ो। तत्व ज्ञान से जुड़े बिना तत्व ज्ञान के बिना कोई कहीं कभी किंचित मात्र भी सुखी नहीं हो सकता। एक अछूतोद्धार आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उस समय एक व्यक्ति आए और एक महाराज जी थे उनसे कहा महाराज आप धर्मोपदेश तो देते हो अछूतोद्धार के बारे में भी कुछ कहो। अछूतोद्धार के आंदोलन के बारे उनके लिए भी कुछ कहो। बोले भैया क्या कहें हम, धर्म से उद्धार होता है पाप से उद्धार होता है, जिनका उद्धार करना हो धर्म से।
पाप से जीव दुखी होता है, धर्म से सुखी होता है, बस इतनी सी बात है। चाहे हमारे यहाँ किसी का कोई भेद ही नहीं, चाहे चिड़ियन हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, पर अछूत मनुष्य नहीं होता। अछूत तो मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम है। पाप भाव अछूत है, व्यसन अछूत है। और इन्हीं से जीव अछूत होता है। ये शराबी, ये जुआरी, ये व्यभिचारी, ये मांसाहारी, ये क्रूर, ये चंडाल, ये हिंसक, अब बता भाई अछूत है और काय से बोला। अछूत भाव तो यही है, अशुद्ध भाव अछूत है। मंगलमय मोक्ष दशा, मंगलमय है मोक्ष स्वरूप, शाश्वत मंगलमय है मुक्त स्वरूप शुद्ध आत्मा, शाश्वत मंगल है, ध्रुव मंगल है। और मोक्ष दशा मंगलमय है, मंगलकरण उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि से ध्यान, शुद्ध आत्मा का अनुभवन रूप ज्ञान, शुद्ध आत्मा की भावना एकाग्रता लीनता रूप आचरण मंगलमय है, मंगल को करने वाला है। इसी से जीव का मंगल होता है, इसी से समस्त अमंगल दूर होते हैं। रागाधिक भाव में फंसा हुआ जीव निरंतर दुखी रहता है। अज्ञानी जीव, अपने स्वभाव को न जानने वाला जीव निरंतर दुखी रहता है। शास्त्र से पढ़ करके सुन करके कह लेना ये अलग बात है, भाषित होना अलग बात है, भाषित होना चाहिए। भैया ध्यान रखो, हम झुक नहीं सकते तो तिर भी नहीं सकते, सुखी भी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ये तुमको अच्छी लगती है, देखो भाई हम झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते तो सीख नहीं सकते, कुछ नहीं सीख सकते। झुक नहीं सकते, ऐसे विचार मत करो, ये विचार करो, झुकना हमारा स्वभाव है, झुकना हमारा स्वभाव है, स्वभाव में झुकना परमार्थ है। झुक नहीं सकते तो अब आगे भी बोलो, अपने से कहो, अपने को संबोधन करो, बड़ी शान से कहते, देखो भाई हम झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते तो कुछ सीख नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते, टेंशन में दुख में पड़े रहोगे, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहोगे, इनको चाहते हमको नहीं चाहते, इन्हें सब पूछते हमें कोई नहीं पूछता, फिर आपको ईर्ष्या होती है, फिर आपको दुख होता है। अरे ये सोचो हम झुक नहीं सकते, वो आत्मन क्यों नहीं झुक सकते, झुका 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 थोड़ा मालिश करते जाओ, सिखाई करते जाओ, झुका झुका थोड़ा 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 झुका झुका, झुक नहीं सकती, क्यों नहीं झुक सकती, तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा समझोगे तो ये बात नहीं कभी मन में आएगी हम झुक नहीं सकते। जब तुम्हें ये विकल्प आए हम झुक नहीं सकते, तब ये सोच लेना, तब ये अपने से कहना, वो आत्मन झुक नहीं सकता तो बिना झुके कौन ने सीखा है, बिना झुके कौन भरा है,
चेनानी उसे बोलो नीति से, अरे वृक्ष भी तो जब फल आते तो झुकते हैं, क्यों नहीं झुक सकते? झुकना हमारे लिए स्वभाव भी है और सुकर भी है, झुकना ही चाहिए। ऊपर से झुको, भीतर से भी झुको, ऊपर से ही झुको, झुको, झुकना चाहिए। ऐसे मत बोलो कभी, ऐसे मत सोचो, हम झुक नहीं सकते, हम टूट सकते, हम झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। अरे प्रभु, झुके बिना कौन ने सीखा है? कुछ नहीं सीख सकते जीवन में, नहीं सीख सकते अगर झुक नहीं सकते। वो हमारी आदत है, वो हम टाइम पे नहीं आ सकते, हम अनुशासन नहीं पाल सकते। नहीं पाल सकते तो क्यों बदनाम करते अपने माता पिता को? यानी क्या चर्चा आई थी अंदर? वो अकेले हमसे कहो तो हम चाहे कहीं चले जा अकेले। हमने बेटा अकेले जाने में कोई बात नहीं, जाओ अकेले, लेकिन अपने माता पिता को, अपने कुल को, अपने गुरु को, अपने विद्यालय को जहाँ पढ़े लिखे हो, बदनाम मत करना कहीं जाकर के। स्वच्छंद प्रवृत्ति से, अपने रौब से, अपने उल्टे सीधी क्रियाओं से, उल्टे सीधे विवेचन से बदनाम मत करना। तो अकेले जाने ठीक है, और नहीं तो साध संघ का ये अनुशासन है, एक कल बिहारी भाई जिन कल्पी मुनि हो सकते हैं। जिन कल्पी मुनि का अर्थ क्या है? जिनेन्द्र भगवान जैसा जिनका वैराग दृढ़ है, घोर परीक्षाओं को मैं भी जो चिंतित मात्र भी चलायमान नहीं होते, वे एक कल बिहारी हो सकते हैं। बाकी अकेले अकेले फिरोगे तो भटकोगे, हम झुक नहीं सकते। अरे कब मुर्दा हो, अकड़ एक रोग होता है, अकड़ जाती ना हाथ पांव, जो झुक नहीं सकते तो पक्षाघात से पीड़ित होंगे इस परिणाम के फल से। पक्षाघात से पीड़ित होंगे इस परिणाम से कि हम झुक नहीं सकते। मन मुझे हित करना है, इसलिए झुक ही जाना चाहिए। कितनी बार अपनी चर्चा आती है, क्षमा करो हम नहीं भैया, हमें अपना कल्याण करना है, हम तो क्षमा करेंगे, कब बैर बांध के मरेंगे, कहां भोगेंगे? एक तरफा बैर तो दस भव चला कमट प्रभूति का है? और तुम हमसे बैर करो, हम तुमसे बैर करें तो कहा हो? अरे तुम झुको क्षमा झुको, हमने तो गांव की भाषा सुनी है, भैया तुम बड़े हम छोटे, तुम मैं नहीं झुक सकते, मत झुको, अकड़ो भाई जितने अकड़ पा। तो फिर वीर वीर कहते क्यों? इसलिए कहते हैं ये अकड़ तुम्हें मुर्दा की निशानी है, रोग की निशानी है, झुक नहीं सकते। ये कभी मत सोचो, आपका स्वभाव है झुकना, नमना, ये स्वभाव लचीलापन। अगर जिया कर जाए झुक नहीं सके तो क्या होगा? क्या काम करोगे? रोटी नहीं खा पाओगे? बताओ, ये झुके बिना रोटी खा लोगे? खाएगा बता दे कोई? झुक नहीं सकते। वाह रे वाह, यही सीखते हैं हम यहाँ बैठ करके, झुक नहीं सकते। क्यों नहीं झुक सकते? फिर काय के लिए हम निकले? दीक्षा के समय के परिणाम का विचार करो। अब बुद्ध मुनराज के लिए दीक्षा की लिखी ली, आपने ब्रह्मचर्य काय के लिए लिया? अपने घर काय के लिए छोड़ा? करने के लिए? सत्समागम में क्यों आए? करने के लिए। शास्त्र में बैठे झुक नहीं सकते तो क्या? विचार तो करो।
आते रहे। जो ऐसा सोचते हैं सुनो सबकी करो मन की, महापाप बांधते, फिर उनका सुनना पढ़ना तो बेकार हो गया ना। सुनो सबकी करो मन की, जब तुम्हें अपने मन की ही करनी है तो सुनने का समय बर्बाद क्यों करते हो, सुनाने वाले के श्रम का अनादर क्यों करते हो। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, परिणाम हमें अपने मन की करनी है तो जिनवाणी का फिर क्यों स्वाध्याय करते हो, क्यों सत्समागम में रहते हो। अपराध कोई करता है, बाल अथवा असक्त और बदनाम धर्म होता है लौकिक में। आप तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इस बात को सोचो, झुकें कैसे। ज्ञान ऐसी वस्तु है जो आपको झुका देगी। अगर सम्यक विचार होगा तो आप 10 मिनट नहीं लगेंगे, झुक जाओगे। आप अपनी भूल का एहसास कर लेंगे, बताओ क्या गलती है। अरे जिसकी ऐसी नजर है, बताओ क्या गलती है। अब वो क्या सीखेगा, क्या समझेगा, विचार तो करो। यहां इसलिए कह रहे हैं, बहुत लोगों के ऐसे चिंतन चलती रहती है। बताओ, खड़े हो जा, खड़े हो जा। अगर इनका गलती है, अरे खड़े हो जा, जरूरी है कहीं दंडे से भाई हो जाओ खड़े, क्या परेशानी हो रही। खड़े रहो, बताओ क्यों, क्या गलती। अरे गलती तुम्हें कुछ मतलब है खुरापात से, खुरा पास से कोई मतलब है इन बातों से। हम कह रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बस काम खत्म हो गए। खड़े खड़े सुनो, खड़े खड़े सुन ले। क्या गलती है। अरे गलती क्या होती है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा जाओ वहां छिप जा तालाब, और अपने धोबी से कहा अरे भाग, देख सैनिक आ रहे हैं, बाकी कपड़ा ले गए और अपन पछीटन लगे। और वो सैनिक आए, क्यों तुमने वो देखे चंद्रगुप्त चाणक्य, वो छुपा है। कहते तो पकड़ ला, अब हम पानी तुम अपने, हमने बताया था और तुम चले ले पकड़ लिया, हमका मना कर रहे। और जैसे उसने कपड़े उतारे घुसने के लिए तलवार रखी, और वो तो सावधान था, तलवार उठा करके उसकी गर्दन काटी, बेटा भगया, उन्हीं के घोड़े पर उनके कपड़े पहन करके भाग गई। फिर चंद्रगुप्त से पूछा, जब हमने कहा था वो छिपा है, तुम्हारे मन में क्या आया था, कैसे में मेरा हित होगा, बस खत्म हो गई बात। इतनी गुंजाइश हो तो कुछ सीख सकते हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है तो नहीं सीख पाओगे। उल्टी सलाह नहीं देना चाहिए, बताओ क्या गलती है। हम झुक नहीं सकते, अरे वाह, हमने ऐसे थोड़ी कही थी, हमारा जी अभिप्राय नहीं था। अरे रे प्रभु, का कही थी का नहीं कही थी वो बात नहीं कह रहे हम, तुम्हारे ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे किसी के ऊपर। कमरे में बैठे सुजन का वो बोले 80,000 करोड़ का घोटाला, वो नोट पकड़े, हमने पागल हो गए। वहां से ये बात आई हमारे दिमाग को, नहीं होता तृष्णा कितनी होती है। गांव में आदमी कह देते थे भले पुराने कि देखो जब संग नहीं आता तो ये हाल है, एक एक रुपया के लिए बेईमानी, बैर विरोध, छल प्रपंच, और जब संग कहूं संग जात होती तो काकत। हमेशा पॉजिटिव सोचो, वो हम सवेरे नहीं उठ सकते 5 बजे, क्या कहते हो, तुम तो रहोगे और बचोगे, ऐसी ड्यूटियां लगेंगी, ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी परेशानियां आएगी 5 ही बजे उठ के। कई बार हम क्या कहते हैं,
ये नल चलते हैं ना, रात को 2-2 बजे उठ करके पानी भरते हैं गर्मियों में शहरों में, गांव की बात नहीं कह रहे। ड्यूटी लगी है रात की, सब रात भर जगना पड़ता, हम उठ नहीं सकते, सब कर सकते, कोई बात है नहीं, कोई हम टाइम पर नहीं आ सकते। घर जाओ, घर जाओ तब सोचना। घर जाने का मतलब ये घर नहीं है, क्यों क्यों नहीं कर सकते। मार्गाच्य वन निर्जातम परस, नहीं करने की, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते साहब, नहीं ये अधिकार नहीं है आपको। कैसे करें इस बात को सोचो। कड़वी दवाई तो हम नहीं खा सकते, वैद्य से कहो जाकर के, कहो जब आपको परीक्षा देनी हो उस समय कहो साहब 7 बजे तो हम नहीं आ सकते, आज तो हम नहीं आ सकते, कहो वहां यहाँ पोल मचाई है तुमने, यहाँ तो कोई नियम अनुशासन है ही नहीं। गाड़ी का टाइम होता है रात के क्या 4:30 बजे और 2 घंटे और लेट है, उस आप 2 घंटे तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, कहो वहां, बोलो कहाँ कहाँ कहोगे। नहीं वहां काय कहेंगे, वहां नहीं कहेंगे, वजन लटका देते हैं, सीधी सीधा लटा देते हैं, जा करके देखो हॉस्पिटल में। हम ये नहीं कर सकते, अरे रे प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जगत तुमको, जगत तुम्हारे हिसाब से चलेगा, मोक्ष मार्ग तुम्हारे हिसाब से चलेगा, आगे जोड़ लेना, झुक नहीं सकते तो कुछ सीख भी नहीं सकते, सीखे बिना सुखी भी नहीं हो सकते। जाओ कर लेना जो कुछ भी करो, तुम्हारा पुण्य का उदय है तुम्हें ठीक है, कुछ मिल जाए पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन वैभव जो कुछ मिल जाए, छोप सम है तो तुम तो रटाई पढ़ाई कर लेना, कुछ पंडिताई कर लेना, जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन चित्त में शांति भी नहीं मिल सकती झुके बिना। भगवान का शासन है ये, किसी के द्वारा बनाए घर के कानून नहीं है, अपने अपने घर के बना लिए हो हमने, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत बनाए दिए, ऐसा नहीं है। ये वस्तु का अकृत्रिम स्वरूप है, देव सात गुरु की ओर झुके बिना धर्म का पात्र नहीं होता, और स्वरूप में झुके बिना धर्म नहीं होता। और झुकने का मतलब केवल शरीर से ओवर एक्टिंग नहीं, कमर से नीचे झुक गए, झुकने का मतलब अपनी जिद छोड़ देना। झुकना मान का विरोधी है ना, तो जो आपने मान रखा है, अब हम उस भाषा में बोल रहे, जो आपने मान रखा है समझ रखा है वो सब छोड़ दीजिए आप। भरी स्लेट को मिटाना मिटा लो, कोरी स्लेट पर लिखा जाएगा, भरी स्लेट पर नहीं लिखा जाएगा, भाई मिटा लो, मिटा लेना चाहिए उसको। पॉजिटिव सोचो, क्या झुके कैसे, हाँ कैसे झुकोगे, झुकने में हमारा हित है, बस झुक जाओ यार, ये बताओ लक्ष्मण राम के साथ क्यों चले गए वनवास में। अरे हमारा काम तो भाई की सेवा करना है, बस गए खत्म मामला। जब भाई के प्रेम से, पति के प्रेम से सीता और भाई के प्रेम से लक्ष्मण वनवास में चल दिए, तो धर्म के प्रेम से बिताओ, अरे प्रभु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान
बीतराग का अर्थ करना चुगली कर करके करो, बीत मोह, बीत क्रोध, बीत मान, बीत लो माया, बीत लो, बीत हास्य, बीत रति, बीत अरति, बीत शोक, बीत भय, बीत जुगुप्सा, बीत वे, बीत हम फिर कहते हैं पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए मत सीखो, आत्म कल्याण के लिए सीखो। भूलने लायक तो है ही नहीं। कैसा प्यारा भजन है जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूला है तू है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये भूला नहीं है, ये भूल जाने लायक बातें नहीं है। एक हीरा मिल जाए उसे धरा भूल जाए तो दरिद्र कौन होगा, नुकसान किसका होगा, ये तो बताओ। दाल में नमक डालना भूल जाए तो क्या होगा, रोगी दवाई खाना खाना भूल जाए तो क्या होगा। ये मेरे अनाज भवरों की औषधि है। रास्ता भूल गए तो किधर जाओगे, भटकना निश्चित है। निंदक नियरी राखिए अंगन कुटी छवा है, गुस्सा मत करो गवाह देने वाले पे, जाने गवाही दी अब की क्या देखेंगे, जिंदगी जेल में जाएगी तेरी। ये हम नहीं कर सकते। ओहो क्यों नहीं कर सकते, आगम विरुद्ध है क्या? आपको मालूम है पंच कल्याण का दृष्टांत, पंडित जी पहुंचे पंच कल्याण कराने के लिए, शाम का समय हो रहा था, दोपहर को पहुंच गए, तो बैठे, सेठ जी बोले पंडित जी भोजन कच्चा पक्का, पक्का कच्चा माने कैसा, कच्चा के पक्का के कच्चा पक्का, बुंदेल में कच्चा पक्का भी बनता है बुंदेलखंड में, बोले न कच्चा न पक्का न कच्चा पक्का। बोले क्यों? बोले हमने नियम बनाया है कि जिसके यहां पंच कल्याण करेंगे उसके यहां भोजन नहीं करेंगे। सेठ जी बोले क्या शास्त्र का कोई ये नियम है? कौन से शास्त्र में लिखा है प्रतिष्ठा पाठ में? कि शास्त्र में नहीं लिखा है। फिर कि हमने अपने लोभ को संवरण करने के लिए हैं, बहुत से लोग बस घर में पानी नहीं पिया था हैं, एक पैसा लेने की बात तो जो है अगर काम करने आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें काम के लिए लिया वैद्य को उसकी नहीं, एक रुपया फीस वीस की बात ही नहीं है, पानी भी नहीं पियेंगे बात समय। तो हमने अपनी निष्प्रयता के लिए बनाया। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, मुनीम जी से बोले मुनीम जी ऐसा है जो कच्ची अब दो दिन में पंच कल्याण शुरू होना है, तो जो वैसी खाद्य सामग्री है उसको गरीबों में बांट दो, बाद बाकी वो कर दो, चिट्ठी भेज दो पंच कल्याण नहीं कर रहे आप। क्यों? पंडित जी बोले क्यों, जब हमारा इतना ही पुण्य नहीं है हम आपको भोजन करा सके, तो इतना बड़ा पंच कल्याण को इतने लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे, क्या होगा? बहुत नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सेठ जी, पंडित जी बोले हम तैयार हैं, कोई बात नहीं है, तो फिर भोजन करो चलो। हर प्रसंग में पंडित जी अपनी कहते रहे, सेठ जी अपनी कहते रहे, सुंदर सा पंच कल्याण हुआ, निष्प्रयी है विद्वान, निष्प्रयी विद्वान और गुणग्राही श्रावक, विनयवान श्रावक। अरे आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे, लेकिन मूल अपना काम समझ तो ले, अकड़ना तेरा काम नहीं है, अपने घर के नियम बना लेना अपना काम नहीं है,
स्वच्छंद जीवन मोक्ष मार्ग की अपात्रता होती है। स्वच्छंदता से जीव अनंत भव में भी मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता। एक विश्व में दुख दूर करने में और ज्ञान सुखी करने में ज्ञान ही समर्थ है, परंतु ये कर चर्चा की थी, बोलो परंतु है? हाँ, जो ज्ञान रागादिक का अभाव करे वो ज्ञान, रागादिक खुश रागादिक रागादिक कर दे और लिख लेगे और लिखा देगे और पढ़ देगे पढ़ा देगे। टोटा मस्जिद लिखा ना, पढ़ाई पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, कुछ निर्धार नहीं। जैसे वो बालक स्त्री का स्वांग बना करके नाच रहा है गा रहा है, ऐसा गाना सामने वाले तो बेकार हो रहा, उसको कभी फर्क नहीं, जैसे ठीक होता है तो कह रहा करछली जैसी तो नहीं है, हलुआ में फिर रही है और पता नहीं है करछी हलुआ में घूम रही है, मिठास कछु नहीं है। अरे रे प्रभु, विचार करो उसका क्या मूल्य अगर रस निकल जाए उसमें से, फल में से रस निकाल करके फिर तुमको पकड़ा दें वैसे ही, तो क्या उसका मूल्य बोलो? अगर फल में रस नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही जीवन में अध्यात्म रस नहीं है, है तो ज्ञान का रस नहीं है, क्या जीवन होगा? रस्सी जल भी जाती है तो ऐंठ नहीं जाती, ऐंठ वैसी की वैसी दिखाई दे। विचार तो करो क्या तुम्हारे पास है वर्तमान में, पुण्य क्षयोक्षम क्रियाएं प्रतिष्ठा पद, बोलो क्या है तुम्हारे पास? काय को पा करके यार अकड़ते हो, झुक नहीं सकते। अरे रे प्रभु, झुकना सीखो, झुक नहीं सकते तो सीख भी नहीं सकते, सीख नहीं सकते तो आप मोक्ष मार्ग भी नहीं, सुखी भी नहीं हो सकते। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारा न झुकना। बस इतना, जो दोष हो वहां जिसका विवाह होता है उसकी गीत गाए जाते, रायचंद जी ने कहा अकेल यहां मान न होता तो यही मोक्ष होता, तो अकेले मान की बात है, क्या अकेला मान होता कहां है? अकेला मान होता है क्या? अरे भाई, व्यक्ति एक समय में अभिव्यक्ति, एक समय में एक कसाय की है, बालवा की अकेला मान कहां है? अच्छा, पर को हम अपना नहीं मानेंगे, पर से बड़ा नहीं मानेंगे, मान कैसे आया? और मान आएगा तो फिर क्रोध नहीं आएगा, मायाचारी नहीं आएगी उस मान के, लोभ नहीं आएगा। अकेला मान करके बता दे कोई, वहां समस्त दुर्गुण भरे होंगे जहां मान होगा, अकेला नहीं होगा। हमने कहा था ना ब्रह्मचर्य अकेले ब्रह्मचर्य का नाम नहीं है। हाँ, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होता, तब अब ब्रह्म पर्यंत समस्त दोषों का अभाव। प्रतिमा की परिभाषा श्रावक श्रावकाचार्य जी में पढ़ी है, प्रतिमा प्रतिमा अंतिम अधिकार है, चलो हिंदी बोल दो, पूर्व गुण सहस्त्र आया माने अगली प्रतिमा में पूर्व के गुण अंतर्गर्भित हैं। पूर्व के गुणों के बिना कोई एक अकेला रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो वो प्रतिमा थोड़ी हो गई छठवीं, तुमने ब्रह्मचर्य दिया तो सातवीं प्रतिमा थोड़ी हो गई। तुमने आराम त्याग कर दे, कपड़े हमारे दूसरे कोई धोएगा जी करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने आराम से
धर्म ध्यान करेंगे तो आठवीं प्रतिमा थोड़ी हो गई। किसी दूसरे देश का मंत्री हिंदुस्तान के एक राजा के पास आया। उसने प्रश्न किया, हिंदुस्तान के राजा चिरजीवी होते हैं, हमारे यहाँ राजा अल्पायु होते हैं, सो क्यों? वे अत्याचारी क्रूर, उम्र थोड़ी होती है, सारी प्रजा उसको मारे तो। और हमारे यहाँ राजा परोपकारी, प्रजा को पुत्र के समान, तो राजा की दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। तो ये तो हो गया व्यवहार का उत्तर, लेकिन उस परोपकार के परिणाम से दीर्घायु है और क्रूरता के परिणामों से अल्प आयु। कर्म का मनुष्य आयु शुभ आयु है कि नहीं? मनुष्य आयु कौन सी है? आयु कर्म में शुभ अशुभ का भेद बताना। हाँ, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और देव आयु, ये शुभ आयु कहलाती है, नरक आयु अशुभ आयु। और गति में नरक और त्रियंच अशुभ गति, मनुष्य और देव शुभ गति। क्यों? शुभ परिणाम से इनका उत्कर्षण होगा और अशुभ परिणाम से इनका अपकर्षण होगा, ये समझ लेना चाहिए। जैसे सम्यक से पहले नरक आयु बन गई और फिर सम्यक हो तो नरक आयु घट जाएगी, और देवायु बन गई और सम्यक हो गया तो देवायु बढ़ जाएगी, ऊपर का स्वर्ग। ऐसे ही मनुष्यों में, मनुष्य आयु बन गई तो भोग भूमि में चला गया, आयु बढ़ गई इंद्रियों की आयु। हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं। हम नहीं समझ सकते, अरे आत्मा की बात, आत्मा नहीं समझे तो कौन समझेगा? तो भैया इतना बड़ा साहस हम नहीं बढ़ सकते, कार नहीं पढ़ सकते, अपना हित समझो और धीरे 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 धैर्य से पढ़ो, देखो पढ़ सकते, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। एकदम घबराना नहीं चाहिए, उतावलापन नहीं, विचार करो। लाल बत्ती चौराहे पर है, हम नहीं रुक सकते, कह के बताओ, बताओ क्या कि हम नहीं रुक सकते। धर्म के मार्ग में ही हमने पोल मचाई है, जो कुछ हमारे मन में आया सो ठोंक दिया, जो मन में आया सो विचार कर लिया, अपने हे बिना घी का हम नहीं खा सकते। बेटा जिंदगी भर बिना घी का खाने पर है, उसमें घी बंद हो जाएगा तुम्हारा इन परिणामों के फल से। ऐसे रोग होते हैं कि नहीं बताओ? घी बंद, नरक त्रियंच में कितो घी खाओगे? दूध बिना हमारा हम नहीं रह सकते, अरे दूध बिना कैसी बातें करते हो? आत्मा ऐसा महातत्व है कि आत्मा किसी के बिना न रह सके, ऐसा है ही नहीं, आत्मदृष्टि ही नहीं है तेरी। आत्म पर दृष्टि रख करके बातें करो, जितना भी विचार करो, जितना भी निर्णय करो, आत्म पर दृष्टि रख करके करो, तब आप बताना कि कर सकते कि नहीं कर सकते। और नहीं तो लौकिक में तुम थे, लोग बोले एक चर्चा हमने सुनाई, अरे आजकल सत्य को कौन पूछता है, सत्य परेशान रहता है, सत्यवादी
कदम कदम पर, झूठ का जमाना है, हमने लिया आप प्रतिज्ञा करो झूठ बोलेंगे सच नहीं बोलेंगे, एक दिन चला के बता देना, एक कदम चल के बता देना, प्रतिज्ञा करो झूठ बोलेंगे सच्ची नहीं बोलेंगे, करके बता। कोई ने पूछा भैया भोजन, कह दो भूख नहीं है, कर लिया, कैसे बता है, आंख में तकलीफ है डॉक्टर का झूठ बोलो कि कान में तकलीफ है, कैसे बता, कहीं टिकट लेने जानी है और बोलना झूठ बोलना ना, बोल के बता झूठ। मेरे कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, हम क्या कह रहे। अरे तुम्हारे जीवन में जितनी शांति है, जितनी अव्यवस्था, जितनी थोड़ी बहुत व्यवस्था है, वो सत्य के बल से है, झूठ के बल से नहीं है। हम सत्य नहीं बोल सकते तो सुखी सुखी भी नहीं हो सकते, असुखी तो होना है तो फिर सत्य भी बोलना है, सत्य को असत्य बोलना है तो सत्य समझना है। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, किनके लिए, हमारे लिए क्या तुम्हारे लिए। अरे हमने तो बालबोधों में ऐसी बातें पढ़वाई, बोलो तुम्हारे पिताजी कब सुखी होंगे बच्चे से, कहते जब भी पंच परमेश्वर को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तब सुखी होंगे, तब समझ लेना। तुम्हारी माँ कब सुखी होंगी, दादी कब सुखी होंगी, दादी से बोलो क्यों तुम्हारा नाती कब सुखी होगा, कितना पैसा वह दे जाओगे सुखी होगा, फिर पंच परमेश्वर को पहचानेगा, उनके बताए मार्ग पर चलेगा, माने अपने को आत्मा समझेगा, देह को भिन्न समझेगा, परिग्रह को धूल समझेगा, कसायों को दुख रूप और हे समझेगा, तब सुखी होने का मार्ग मिलेगा। मंगलमय मंगल करण नीतराग विज्ञान है, वह ज्ञान काय के काम का, बोलो। एक चतुर होता है, एक चालाक होता है, चतुर और चालाक में बहुत अंतर होता है। चालाक कौवे को चालाक कहते हैं, चतुर तो नहीं कहेंगे। शास्त्री अगर विचार करें तो चतुर कौन है, चतुर कौन है, अरे छूटने वाली वस्तु को पहले ही छोड़ दे चतुर है, है? उसे देह को पहले ही भिन्न समझ ले, वह आत्मा के लिए देह को नहीं, देह की रक्षा करता रहे, आत्मा का बिगाड़ करता रहे, चतुर है। एक प्राइमरी स्कूल था, बस्ता बस्ता लेकर के जाते थे पढ़ने बच्चे, तो बरसात का समय तो स्कूल बहुत जीर्ण हो गया था, तो गिरने को हुई छत एकदम, तो निकलो बाहर बच्चे, हम सब बाहर निकाल दिया। एक बच्चा जल्दी से गया, काय गया बस्ता उठा रहा, अध्यापक ने कहा जल्दी निकल के बाहर आ जाओ सब, तो सब तो निकल आए, और वो बच्चा रह गया, कहने कम कहा बस्ता के छत गिरी दब के मारे, अब बता चतुर कहेंगे, चतुर कहेंगे। भोगों के लिए धर्म को छोड़ता है चतुर है, धर्म के लिए भोग छोड़े जाते हैं, भोगों के लिए धर्म नहीं छोड़ा जाता। नमोताय आते हैं भाई अरहंताज महान, अरहंताज भी इस ज्ञान से महान हुए हैं, कौन से ज्ञान से, महातत्व में लगे हुए ज्ञान से, महातत्व में प्रतिष्ठित ज्ञान से, इच्छाओं की पूर्ति करके कोई बड़ा नहीं हुआ, परिग्रह से कोई बड़ा नहीं हुआ, बोलो कोई बड़ा हुआ वो परिग्रह से, ऐसी बातें सुनते हुए जिसे नींद आती है
हैं, जिसके चेहरे पर मतलब उदासी रहती है, क्या करेगा बेचारा। दोषों को छिपा छिपा करके महान दिखने की प्रवृत्ति अनंतानंदी मान है, दोषों को छोड़ करके महान होते हैं। त्याग के बिना मैं त्याग से बड़े होते, लोग बाकी बोल दिया था तो काय के त्याग से, मोह के त्याग से, कसायों के त्याग से महान होते हैं। नमोताए आते हैं भाई अरहंताज महान। अब बता, अरहंताज तो वितराग विज्ञानता से महान हुए हैं और हम परिग्रह से महान बनेंगे, हम इस छायुक समय ज्ञान से महान बनेंगे, हम खाली क्रियाओं से महान बनेंगे, हम अपनी जिद पूरी करके बड़े बनेंगे, महान कहो बड़े कहो, बताओ आप सोचो। अरे मरीच की पार्टी में मत जा, मरीच भी आदिनाथ के तीर्थ के द्वारा ही तीर्थंकर बन करके महान हुआ है। नमोता ही आते हैं भाई अरहंताज महान, बेतौ से महान हुए और तुम हम कैसे महान होना चाहते हैं? झुक गए वे, नम गए, स्वरूप में रम गए और महान हो गए। सही बात है भाई, आत्मा महातत्व है, आत्मा की आराधना से ही महान हुआ जाता है। अब हम काहे से महान हैं? बड़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी, अरे रे प्रभु, काहे का बड़ा आदमी? बड़ा तो वह है हैं? जिसको दीत राग विज्ञान था, माने राग बिल्कुल नहीं है, ज्ञान पूरा है, महान तो वह है। ओम नमः, मंगलाचरण है। इसे समझे बिना, तत्व ज्ञान के बिना जीवन में कैसे मंगलाचरण करोगे? प्रारंभ ही नहीं होगा। ओम नमः, शासन नायक महावीर भगवान की। जिसतम को यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते, माता तू है स्वच्छ ज्योति, उत्तम अनुपम ज्योतिमयी, तू तेरे बिन सब अंधालो, नमो तुही सबसे प्रदा, तुझसे सब मिट जाए।